दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपने बिटकॉइंस का नाम तो सुना ही होगा। जैसे कि बिटकॉइंस एक डिजिटली मुद्रा है, उसे वर्चुअल बिटकॉइंस मतलब उसे वर्चुअल मुद्रा भी कहते हैं। जैसे कि बिटकॉइंस को हम सिर्फ देख सकते हैं, उसे छू नहीं सकते हैं, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में रख सकते हैं, उससे भी हम अब कोई भी सामान खरीद सकते हैं। जैसे किसी भी जगह हम उसको ट्रांजेक्शन बिटकॉइंस देकर उसको हम खरीद सकते हैं जहाँ इसकी सुविधा हो, लेकिन हम उसे उसका कोई स्वरूप नहीं होता है। जैसे हम उसे छू नहीं सकते हैं, उसे देख नहीं सकते हैं, सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर हम उसे देख सकते हैं, उसे जान सकते हैं, ये हमारे पास इतनी मुद्रा है। तो बिटकॉइंस एक ऐसी मुद्रा है जिसे हम ना छू सकते हैं ना दे सकते हैं, बस इलेक्ट्रॉनिक के मतलब स्टोर हम उसे करके रख सकते हैं। तो ये डिजिटली एक मुद्रा है। जैसे और मुद्रे सब जो हैं अमेरिका के डॉलर्स, जैसे नोट है अपने इंडिया में जो सिक्के नोट्स हैं, उसे हम छू सकते हैं ना, लेकिन इसे नहीं छू सकते हैं, चाहे कितना भी पैसा हो, सिर्फ उसे इलेक्ट्रॉनिक की मतलब स्टोर करके रख सकते हैं। बाद में उसे हम बेच कर उसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करके विड्रॉल करके हम उसे निकाल सकते हैं, लेकिन वो इंडियन मनी में हम उसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन हम उसे बिटकॉइंस के नाम पे उसे कहें कि छू लें तो उसे हम छू नहीं सकते हैं कभी। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। वैसे ही मैं वीडियो लाते रहता हूँ।